हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को हीट कैपेसिटी कहते हैं, या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उस अमाउंट ऑफ हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। सपोज एक सब्सटेंस है एंड आई वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आयरन, ठीक है, एंड आई गिव 200 जूल हीट टू आयरन, ठीक है, मैं आयरन को 200 जूल हीट देता हूँ, तो और उसके हीट देने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो कहेंगे कि 200 जूल जो है हीट, इससे हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको अब इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखो हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको हम मैथमेटिकली इसका डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ हीट टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, यानी चेंज ऑफ हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर के दरमियान जो रेशियो है उसके रेशियो को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले से इसकी एसआईटी निकाला जाए, उसकी एसआईटी क्या होगी, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, अगर केल्विन को मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस बन जाएगा, पावर माइनस बन जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स। तो हीट कैपेसिटी की जो एसआईटी होगी वो क्या होती है, जूल केल्विन इनवर्स। तो हीट कैपेसिटी में मैंने ये भी बताया कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना लेना और कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना, हमने चैप्टर 3 में बात किया हमने कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब होता है महसूस कर देना। तो अब इसको हम कितना डिफाइन करेंगे, 1 kg सब्सटेंस का 1 Kelvin या 1 degree सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है, जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade is called specific heat capacity. So 1 kg substance का 1 Kelvin या 1 degree centigrade temperature increase करने के लिए जो amount of heat दी जाती है, उस amount of heat को क्या कहते हैं, specific heat capacity कहते हैं। इसको represent करते हैं small c से, heat capacity को capital C से represent किया जाता है, और इसको हम small c से represent करते हैं, उसका formula होता है delta Q divided by m delta T। लिखने के बाद टेबल भी बना रहे हैं, पेज नंबर 203 में जो टेबल है 11.3, ये टेबल पे आपने ड्रॉ करना है, यानी टेबल को भी आपने लिखना है अपने कॉपी में, पेज नंबर 203 और टेबल 11.3, जिसमें वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है, मरकरी, इथाइल अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट है वो वाटर के होते हैं, तो ठीक है से याद भी करना और अपने कॉपी में करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार मुलाकात करेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।